समय का भाव सभी को देखते हुए थोड़ा आवाज बढ़ा रहे सावित्री जी की कथा में आपको सुनाने जा रहा हूं, जो कि माँ सावित्री की पूजा करने से वो कन्या प्राप्त हुई। अशुपति जिनके पिता थे और उनका नाम भी सावित्री रखा। सावित्री को उनके लिए बर ढूंढने के लिए स्वयं अपनी बिटिया को भेज दिया, पर बिटिया ने जो बर ढूंढा उनकी अल्प आयु थी। सतवान जी की देखिए क्या होता है, लेकिन एक जो कमी है उसे कोई पूरी नहीं कर सकता, उनकी अल्प आयु हुई, एक वर्ष की उम्र बची। तो पिता कहते बेटा फिर से जाओ पर खोजने के लिए। तो सावित्री जी कहती है नहीं पिताजी, जिसको एक बार मैंने अपना पति मान लिया है अब कुछ भी हो आप उनसे मेरा भेदभाव कर। देखिए भारत की नारियों की शक्ति की बात, विश्वास की बात, पता चल गया कि एक वर्ष की आयु हुई फिर भी अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया और वहीं से विवाह किया। आजकल तो फेसबुक व्हाट्सएप पे कितने रिश्ते बन जाते हैं, लेकिन ये भारत की नारियों की शक्ति पर दम ये देश का हुआ है। क्या कहना है करती है तब करती है और एक एक दिन गिनती है कि वो दिन कब आ जाएगा और मेरे पति मुझसे दूर चले जाएगा। अब उसके आंसू बहाती है लेकिन पता नहीं चलने देती है, अपने सास ससुर की सेवा करती है। ये नजर Yeah, that's it.
बात याद रहने दो। और वह समय आने वाला है, 3 दिन बचे हैं, मेरा हर हर कर लिया है, पास रख लिया है, अब मैं कुछ काम नहीं है। दिन दिन गिनती जाती है। साथ में सावित्री जाती है और आज अचानक सर में दर्द होने लगता है। ये सचित भी की शक्ति से, तो आज विनती करती है कि मेरी पति को ना ले जाए।
संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। अब स्वयं यमराज भी हैरान होने के आप वरदान दे दिया है तो इसका पालन करना पड़ेगा। ऐसी भारत की नारियां हैं। आपके समक्ष रखी कि आपके मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए और वही आपका विश्वास को बढ़ाएगा और भगवान की कृपा आपको बरसती रहेगी। पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा चैनल कैसा लगा और हमारी ज़्यादा वीडियोस पाने के लिए अपने नोटिफिकेशन बेल का आइकन करें